जो वेपन मेरे हाथ में है ये एयर गन है, ये फायर आर्म नहीं है। ये इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का एक सिलेंडर डलता है और ये जिस तरह आप नॉर्मल एयर गन पाकिस्तान में इस्तेमाल करते हैं वैसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और ये सेमी ऑटोमेटिक एयर गन है, पाकिस्तान में लीगल है, इसके लिए कोई लाइसेंस आपको नहीं चाहिए। और बाकी शक्ल देखने में ये बिल्कुल M4 की असॉल्ट राइफल लगती है। सो ट्रेनिंग करने के लिए, बहुत से लोग कहते हैं हम ट्रेनिंग कहाँ से करें, लाइसेंस नहीं है, वेपन नहीं है, तो उन सब के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि बिल्कुल एक एग्जैक्ट राइफल की तरह सारी डिटेल, टेलीस्कोप यूज, एम करना, इसका वजन, इसको इस्तेमाल करना, सब कुछ आपके पास एक असल राइफल की तरह है जिसको आप एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह एक M4 राइफल होती है। सो आप अगर अपनी तमाम जो वीडियो गेम्स में लोग जिस तरह कॉम्बैट वेपन्स को इस्तेमाल करते हैं इस तरह लीगली बगैर लाइसेंस के आप ये एयरगन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ शक्ल इसकी खतरनाक है, बाकी ये सिर्फ एक एयरगन है। तो उन तमाम लोगों के लिए जो ट्रेनिंग करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वेपन उनके पास नहीं है, लाइसेंस नहीं है, यू स्टिल हैव एन ऑप्शन, एयरगन। हाँ उसके लिए बहुत जरूरी है। लुक एट दिस, नॉट बैड। अभी मैंने सेमी ऑटोमेटिक इससे फायर किया, ये सारे और बिल्कुल ग्रुप आप देखें कैसा बन रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली रियल लाइफ की तरह। अगर आप इस पे एक्सपर्ट हो गए तो उसके बाद कोई भी और हथियार आप इस्तेमाल करें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उन तमाम लोगों के लिए जो कहते हैं कि साहब लाइसेंस नहीं है कैसे ट्रेनिंग करें, तो अल्लाह के बंदो इसके लिए एयरगन्स बनी हुई है और आप एयरगन इस्तेमाल कर सकते हैं जो सेमी ऑटोमेटिक एयरगन है।